हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में डबल बार्स एंड टाई बार्स इन रिजिड पेमेंट्स, और इसको रेफरेंस बनाया है IRC 58 2015। इसको देखने से पहले आप मेरा एक वीडियो जरूर देखें, डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट्स, जो कि हिंदी में अवेलेबल है। उसको देखने के बाद आपको जो पेमेंट का ओवरऑल डिज़ाइन है उसका आइडिया लग जाएगा। डबल बार्स माइल स्टील की बनी होती हैं और उनका उपयोग रिजिड पेमेंट्स में स्लैब के जॉइंट पर व्हील लोड ट्रांसफर के लिए किया जाता है। जब व्हील लोड एक स्लैब से दूसरे स्लैब पर मूव करता है तो एज पर लोड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसे रिलीव करने के लिए डबल बार का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें ट्रांसवर्स जॉइंट्स में प्रोवाइड किया जाता है। टाई बार्स भी माइल स्टील बार्स होती हैं, लेकिन इनका उद्देश्य लोड ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि इन्हें दो स्लैब को अपनी पोजीशन में रखने के लिए किया जाता है, और इसलिए इन्हें कभी कभी कनेक्टर्स भी कहते हैं। ध्यान रहे कि टाई बार लोड ट्रांसफर डिवाइस नहीं होती है, ये सिर्फ दो स्लैब को अपनी पोजीशन में रखती हैं। टाई बार को हम यूज करते हैं लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट पर, और डबल बार्स को यूज करते हैं ट्रांसवर्स ज्वाइंट पर। यहाँ देखिए, यहाँ आपको टाई बार और डबल बार का साफ फर्क दिखाई देगा। ये है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक मूवमेंट। तो जो डबल बार्स हैं उनको हम यूज करते हैं इन ट्रांसवर्स जॉइंट्स। ये है आपके ट्रांसवर्स जॉइंट, ये है आपके दो स्लैब के बीच में लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, ये टाई बार्स हैं। सो टाई बार्स को यूज करते हैं दो स्लैब को अपनी पोजिशन में रखने के लिए, और डबल बार्स को यूज करते हैं लोड ट्रांसफर के लिए, जब व्हील आपका जंप करता है एक स्लैब से दूसरे स्लैब की ओर। So, double bars in direction of traffic and tie bars in the direction perpendicular to traffic. Now, let us see कि हम double bar को design कैसे करते हैं। यहाँ design का मतलब है तीन चीजें: double bar का diameter, double bar की length और double bar की spacing। अनुभव के आधार पर ऐसा कह सकते हैं कि double bar की जो joints पर performance अगर किसी parameter पर strongly depend करती है तो वो है बेयरिंग स्ट्रेस इन द कंक्रीट। बेयरिंग स्ट्रेस ज्यादा होता है तो डबल बार के चारों तरफ की जो कंक्रीट है वो क्रैक हो सकती है, और उससे डबल बार लूज हो जाती है, और लूज डबल बार से लोड ट्रांसफर नहीं हो पाता है। इसलिए कंक्रीट और डबल बार के बीच में बेयरिंग स्ट्रेस निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं, दैट इज मैक्सिमम बेयरिंग स्ट्रेस बिटवीन कंक्रीट एंड डबल बार। यहाँ KMTS ये है मॉडुलस ऑफ डबल बार सपोर्ट मेगा पास्कल पर मीटर में, PI है लोड ट्रांसफर बाय डिजाइन डबल बार किलो न्यूटन में, बीटा एक पैरामीटर है जिसे हम कहते हैं रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ द बार एम्बेडेड इन द कंक्रीट, जेड जॉइंट विड्थ है जो कि नॉर्मली 20 मिलीमीटर ली जाती है, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डबल बार एंड आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डबल। यूनिट का ध्यान रखें, मिलीमीटर पावर 4 MPa, मिलीमीटर MPa पर मीटर किलो न्यूटन। ये जो पैरामीटर है यहाँ बीटा, रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ डबल बार एम्बेडेड इन कॉन्क्रीट, इसको आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। KMDS मैंने आपको बताया, KMDS है मॉडुलस ऑफ डबल सपोर्ट, BT यहाँ है डायमीटर ऑफ डबल बार, और E और I जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया इस इक्वेशन में। दिस KMDS की जो सजेस्टेड वैल्यू है वो है 415,000, यानी 415,000 मेगा पास्कल पर मीटर। इस अलावल स्ट्रेस के साथ हम डबल बार का डिजाइन करते हैं ताकि मैक्सिमम लोड ट्रांसफर हो सके, और कंक्रीट में अलावल बेयरिंग स्ट्रेस आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। BT अगेन सेम डबल बार डायमीटर, FCK करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सो M40 के लिए 40 MPa 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नाउ शुरू में डबल बार की जो लोड ट्रांसफर एफिशिएंसी होती है वो लगभग 100% होती है, और फिर ये समय के साथ साथ कम होती रहती है, परंतु ये लंबा प्रोसेस है, इसलिए कई बार ऐसा सजेस्ट किया जाता है
कंक्रीट की स्ट्रेंथ 28 डेज ना लेके 98 90 डेज कंक्रीट स्ट्रेंथ यानी कि 48 MPa भी लिया जा सकता है, ऐसा MOR TH स्पेसिफिकेशन में मेंशन है। IRC 58 में स्लैब की मोटाई के अनुसार डबल बार की लंबाई कितनी हो उसके लिए ये गाइडेंस दी हुई है। आप यहां से लेंथ ऑफ डाया बार सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर स्लैब थिकनेस 20 सेंटीमीटर से कम है तो उसमें डबल बार की जरूरत नहीं होती है। तो स्लैब की थिकनेस के हिसाब से डायमीटर ऑफ डबल बार, लेंथ ऑफ डबल बार एंड स्पेसिंग ऑफ डबल बार यहां मेंशन है, पर ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं। एक्चुअल में आप डायमीटर को एस्यूम करके आपको ये स्पेसिंग निकालनी चाहिए, कैलकुलेट करनी चाहिए। नाउ डबल बार की बेसिक मैकेनिज्म है कि जब किसी जॉइंट पर लोड अप्लाई किया जाता है तो इस लोड का एक पार्ट डबल बार के थ्रू दूसरे स्लैब पर ट्रांसफर हो जाता है, और अगर ये लोड टाइट शोल्डर के पास है तो इसका एक पार्ट शोल्डर पर भी ट्रांसफर होता है। डबल बार जो कि लोड के एकदम नीचे होती है वो सबसे ज्यादा लोड ट्रांसफर करती है, और दूसरी डबल बार्स का कंट्रीब्यूशन उनकी लोड से डिस्टेंस के अनुसार कम होता रहता है। और अगर आपको याद हो तो डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट में हमने एक पैरामीटर यूज किया था L, दैट इज मॉडुलस ऑफ सबगेट रिएक्शन L। तो यहां भी वो डबल बार जो कि लोड से एक L, वन L की डिस्टेंस पर है वही लोड ट्रांसफर में पार्टिसिपेट करती हैं। और अगर आप इस 1L के डिस्टेंस में लोड ट्रांसफर को लीनियर मान लें तो हम मैक्सिमम लोड कैरीड बाई डबल बार्स कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये है मैकेनिज्म और प्रोसीजर टू डिजाइन द डबल बार। दूसरा है टाई बार। टाई बार जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट पे प्रोवाइड की जाती है, इनका पर्पस लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स को खुलने से बचाना है। इसके डिजाइन के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड पर मीटर लेंथ ऑफ द जॉइंट इस इक्वेशन से B into Fw upon ST। एरिया है एरिया ऑफ स्टील, B लेन विड्थ इन मीटर दैट इज 3.5 मीटर, F कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन पेवमेंट एंड सब बेस, W इज द वेट ऑफ स्लैब एंड दिस इज अलाउबल वर्किंग स्ट्रेस इन स्टील इन मेगा पास्कल। बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होने के लिए जो लेंथ चाहिए टाई बार की लेंथ उससे कम से कम दो गिनी होनी चाहिए। तो लेंथ ऑफ टाई बार इज ट्वाइस ऑफ एच टी इंटू ए सी एस अपॉन बी इंटू पी टी बी। ना यहां पर एच टी एस अलाउबल वर्किंग स्ट्रेस इन स्टील, ए सी एस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वन टाई बार, PTB perimeter of tie bar and this B star is permissible bond stress of concrete और इसकी value 1.75 MPa for plain tie bar and 2.46 MPa for deformed tie bar ले सकते हैं। एक टू लेन रोड में सेंट्रल longitudinal joint में जो tie bar की details IRC 58 में इस प्रकार से दी गई है। स्लैब की थिकनेस, डायमीटर ऑफ टाई बार, मैक्सिमम स्पेसिंग फॉर प्लेन एंड डिफॉर्म्ड एंड मिनिमम लेंथ फॉर प्लेन बार एंड डिफॉर्म बार। आप यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं टाई बार का लेंथ एंड स्पेसिंग। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा ये बताऊंगा कि कैसे डबल बार्स और टाई बार्स का डिजाइन किया जाता है। तो एग्जाम्पल इस तरीके से है, स्लैब थिकनेस इज गिवन 300 मिलीमीटर, ज्वाइंट विड्थ 20 मिलीमीटर, के वैल्यू 80, के एम डी एस 415,000 मेगा पास्कल पर मीटर, ई फॉर डबल बार 2 इंटू 10 पावर 5 एम पी ए एंड वी लोड 50 किलो न्यूटन। सो यहाँ हम डबल बार का डिजाइन करेंगे। पहले हम कुछ वैल्यू अस्यूम कर लेते हैं। लेट अस से डबल बार का डायमीटर 38 मिलीमीटर है और ये हमने यहाँ से लिया है इस टेबल से कि अगर आपकी थिकनेस स्लैब की 300 मिलीमीटर है तो डायमीटर 38 मिलीमीटर, स्पेसिंग बिटवीन डोवल्स 300, लेंथ ऑफ डबल बार 500 एंड लेट अस से के लोड ट्रांसफर 50% होता है, यानी कि जब व्हील शिफ्ट होता है एक स्लैब दूसरे स्लैब पे तो 100% जॉइंट एफिशिएंसी है, 50% लोड ट्रांसफर होगा नेक्स्ट स्लैब पे, तो 25 किलो न्यूटन।
right? And say M 40 concrete, so FCK will be 40 MPa and E 4 concrete will be 3 million MPa. So यहाँ पे आप निकालिए radius of relative stiffness L, जो आप इससे calculate करते हैं 4th root of E H cube upon 12 into 1 minus mu square into K, इसकी value आ गई 766.5 millimeter. अब bearing stress, permissible bearing stress, concrete में ये equation है. BT 38 diameter double bar, FCK 40, you can calculate this value FB 26.7 MPa. ये है permissible stress in concrete. And we will see now what is the actual stress coming in the concrete. And let us assume कि पहली double bar जो रखी जाती है वो 150 millimeter pavement edge से रखेंगे. और जैसे मैंने आपको बताया कि double bar जो कि एक L के डिस्टेंस में होती हैं वही लोड ट्रांसफर में पार्टिसिपेट करती हैं. तो आपको कितनी डबल बार चाहिए? पहली डबल बार 150 मिलीमीटर पे, उसके बाद L अपॉन स्पेसिंग. L हमने कैलकुलेट किया 766.5, स्पेसिंग हमने अस्यूम किया 300, तो ये आ गया 3, यानी 3 डबल बार लोड ट्रांसफर में पार्टिसिपेट करेंगे. तो लोड ट्रांसफर, टोटल लोड ट्रांसफर जो हुआ, पहला 1, दूसरा 766.5 माइनस 300, मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है लोड ट्रांसफर एफिशिएंसी कम होती रहती है और उसको हम लीनियर मान सकते हैं. तो ये वही लीनियर फार्मूला है. इनटू पीटी, पीटी है टोटल लोड ट्रांसफर बाय द फर्स्ट डोवल. तो पहले डोवल से पीटी, दूसरे डोवल से कम, उससे दूसरे तीसरे डोवल से और भी कम. तो ये आ गया पूरा आपका 1.825 इनटू पीटी. ये इक्वल होना चाहिए आपका टोटल लोड टू बी ट्रांसफर. टोटल लोड टू बी ट्रांसफर 25 किलोमीटर है और इसको आप इसके इक्वल रखेंगे तो पीटी की वैल्यू आ गई 13.69 किलो न्यूटन. अब हम चेक करते हैं व्हाट इज द बेयरिंग स्ट्रेस. सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डबल बार, आई पाई बाई 64 इंटू बी डी, बी डी 38, पावर 4, दैट इज 102 मिलीमीटर 4. बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालते हैं, 4th root of KMDS, ये सब आपको पता है. This is 415,000, BD 38, E की वैल्यू जो है वो यहाँ दिया हुआ है, 2 into 10 power 5 MPa, I की वैल्यू आपने ये निकाली है 102 302, ये सब वैल्यू आप पुट करेंगे तो यहाँ बीटा की वैल्यू आ गई 0.021 पर मिलीमीटर. इस वैल्यू के साथ आप निकालें मैक्सिमम बेयरिंग स्ट्रेस इस इक्वेशन से. यहाँ सब पता है आपको, पीटी भी आपको पता है 113.69, बीटा 0.021, जेट जॉइंट विड्थ दैट इज 20 मिलीमीटर, ई 2 × 10 power 5, आई 102 302 मिलीमीटर. तो एफ बी ए मैक्स आपका आया 18.13 MPa और ये आपका एफ बी से कम है, यानी कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो परमिसेबल स्ट्रेस से कम है, इसलिए आपका डिजाइन सेफ है. तो इस तरीके से हम डबल बार का डिजाइन करते हैं. नेक्स्ट है डिजाइन ऑफ टाई बार. लेट अस से कि डायमीटर टाई बार 12 मिलीमीटर, और ये भी हमने IRC 58 की उस टेबल से लिया है कि 300 मिलीमीटर स्लैब थिकनेस के कोरस्पॉन्डिंग डायमीटर ऑफ टाई बार क्या होना चाहिए, 12 मिलीमीटर. अब निकालें एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड पर मीटर लेंथ ऑफ ज्वाइंट, बी एफ इंटू डब्ल्यू अपॉन एस एस टी. बी लेन विड्थ है 3.5 मीटर, एफ कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन पेवमेंट एंड सब बेस 1.5, डब्ल्यू वेट ऑफ स्लैब 24 किलोमीटर पर मीटर क्यूब. ये सब डिफॉल्ट वैल्यूज हैं. एस एस टी अलाउबल वर्किंग स्ट्रेस ऑफ स्टील 125 MPa एज पर IRC 15. तो इनके साथ आप निकालें व्हाट इज AS, 302.4 मिलीमीटर स्क्वायर पर मीटर, पर मीटर लेंथ ऑफ ज्वाइंट. अब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टाई बार पाई आर स्क्वायर, यानी पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर 113 मीटर स्क्वायर. पैरामीटर ऑफ टाई बार पाई इंटू डी 37.5 मिलीमीटर. तो स्पेसिंग जो टाई बार की होगी वो होगा एरिया डिवाइड बाई स्टील रिक्वायर्ड, सो दैट इज 373.7 मिलीमीटर. ये आपकी स्पेसिंग आ गई, लेट अस से 370 मिलीमीटर. तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ टाई बार नाउ. अब आपको स्पेसिंग भी पता चल गया, तो एल
है ट्वाइस ऑफ एच टी इंटू ए सी एस अपॉन बी स्टार इंटू पी टी बी। यहाँ पे एस एस टी 125 एम पी ए एस टी दैट इज एरिया ऑफ स्टील 113 मीटर स्क्वायर, पी टी बी 37.5 मिलीमीटर, बीटा स्क्वायर परमिसेबल बॉन्ड स्ट्रेस ऑफ कॉन्क्रीट दैट इज 1.75 एम पी ए फॉर प्लेन टाई बार। आप निकाले एल, लेंथ ऑफ टाई बार इज 428.2 मिलीमीटर। अब इसमें आप थोड़ा सा लेंथ को बढ़ाएं, इंक्रीज लेंथ बाय 100 मिलीमीटर फॉर लॉस ऑफ बॉन्ड ड्यू टू पेंटिंग एंड अनदर 50 मिलीमीटर फॉर टॉलरेंस इन प्लेसमेंट ऑफ टाई बार। तो ये 150 मिलीमीटर में जोड़ देंगे तो आपकी लेंथ आई 580 मिलीमीटर। ये आपका समरी ऑफ डिजाइन है। इन केस ऑफ डबल बार 38 मिलीमीटर डायमीटर है, स्पेसिंग 300 मिलीमीटर, लेंथ ऑफ डबल बार 50 सेंटीमीटर, ज्वाइंट विड्थ 2 सेंटीमीटर, स्पेसिंग बिटवीन कॉन्ट्रेक्शन ज्वाइंट डॉन्टन टाइन, ये तो स्लैब की साइज पर डिपेंड करती है। डिजाइन ऑफ टाई बार डायमीटर 12 मिलीमीटर, लेंथ ऑफ टाई बार 580 मिलीमीटर, और अगर आप डिफॉर्म बार यूज कर रहे हो तो उस केस में आपकी पी एम टी पी वैल्यू बढ़ जाती है, पी की वैल्यू बढ़ जाती है, तो उसमें ये 640 आ जाएगा। और स्पेसिंग बिटवीन टाई बार 370 मिलीमीटर फॉर प्लेन एंड 540 फॉर डिफॉर्म बार्स। तो ये है पूरा डिजाइन ऑफ डबल बार एंड टाई बार। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।